पूरे 543 सीटों पर जिताएंगे। क्या मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर सकता हूं कि इसके प्रेजेंटेशन के लिए हमें समय दें, 21 लक्ष्यों के साथ बिना अतिरिक्त धन के, आपका जो है धन का बाहर भी खत्म कर दिया जाएगा, आपके पास जो है ना 20 गुना ज्यादा पैसा हो जाएगा, आपकी जनता जो है दीर्घायु और निरोगी हो जाएगी, भारत से जो है कैंसर की जो तलवार है वो हट जाएगी, पानी जो है 8 फीट पे आ जाएगा, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, जो अभी हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं वो 160 करोड़ लीटर दूध पैदा हो जाएगा, और इन गायों को जो है ना ठहरने के लिए अच्छी जो है ना गौशालाएं होंगी, शेड्स होंगे, उनके घूमने के लिए कॉरिडोर होगी, उनको जो है नहलाने के लिए, उनकी मसाजिंग करने के लिए टीम होगी जो कि गाड़ी पर चल के आएंगी, उनकी मसाजिंग करके अगले गौशाला में चली जाएंगी, गायों के ट्रैक पर जो है मंत्रमुग्ध करने वाले जो है मंत्रों का उच्चारण होगा, और एक गायों को सजाकर उनके जो है पूजा की व्यवस्था भी होगी। भारत देश में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो गौ हत्या कर ले, ना गायों का जो है ना तस्करी होगी, ना गौ हत्या होगी, क्योंकि गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजित हैं। माननीय देवव्रत आचार्य, देवव्रत गवर्नर गुजरात के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ, कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, और जो गाय दूध नहीं दे रही है ऐसी देसी गाय के गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। फिर हमारी दूध ना देने वाली गाय घूरों पर बैठने की जरूरत नहीं है, हम उसे जीवामृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी, केचुए की मिट्टी, माइक्रोब्स आदि के द्वारा 1 साल से कम समय के अंदर रासायनिक विष से मुक्ति देते हुए अपनी मिट्टी को उर्वरक भी बना पाएंगे और सौंदर्य भी बना पाएंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन क्राइम फ्री भारत मिशन को मिले, और क्राइम फ्री भारत मिशन आपके हाथ मजबूत करेगा और आपको 543 सीटों पर विजयी बनाने के लिए जो है लोगों को प्रेरित करेगा, शंखनाद करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पे सकारात्मक विचार करेंगे और अनुकूल जो है संदेश आपका हमारी तरफ पहुंचेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, 9492560-6040 पर अपने स्टाफ के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। मैं हर बिंदु पर जो है ना खुलासा करने के लिए उनके बीच में उपस्थित होने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि वो टास्क फोर्स बना देंगे तो चंद दिनों में ही पब्लिक को उसकी झलक मिल जाएगी। मैं वो इकोसिस्टम क्रिएट करने की सामर्थ्य नहीं रखता हूं, मेरे शब्दों पे जनता विश्वास नहीं करेगी, लेकिन यदि एक बार समझकर आप ऐसा कहेंगे तो जनता आपके साथ उठ खड़ी होगी, जनता क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ उठ खड़ी होगी, जनता जो है अपने आप को निरोगी, दीर्घायु और समृद्ध भी बना सकेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।